वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक तो कैसे हैं आप सभी और आज आपके लिए एक स्पेशल दिन है स्पेशल दिन पता है फ्रेंड्स क्या है आज आपके दर्पण बुटीक चैनल को पूरे थ्री इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और तीन साल में हम लोगों ने आप लोगों की थ्री लैख की फैमिली पूरी बना ली है इसी खुशी में हम आप लोगों के लिए एक बिगेस्ट सरप्राइज लेकर आने वाले हैं एक तो सरप्राइज यही है कि आज आपको दीदी कटिंग करके बताने वाली है और दूसरा जो बिग 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 वाला सरप्राइज है ना वो आप लोग गैस करके बताइए वो क्या होने वाला है वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है पर आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है वो क्या हो सकता है जल्दी जल्दी, जल्दी गैस कीजिए और कमेंट कीजिए और आज जो हम ड्रेस बना रहे हैं वो कुछ इस टाइप का होने वाला है वैसे तो आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया है कि उसका पूरा लुक कैसा आ रहा है पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम क्या बनाने वाले हैं आज जो हम कुर्ती बना रहे हैं अप डाउन कुर्ती रहेगी तेल पैटर्न का भी लुक देगी और अप डाउन कुर्ती का भी लुक देगी और जिसकी जो स्लीव्स रहने वाली है, वो रही कुछ इस टाइप से यहाँ पर उसका शोल्डर कट रहेगा इसके बाद यहाँ पर बटन्स रहेंगी और फिर नीचे से पूरी खुली हुई रहेगी और स्लीव्स की लंबाई बहुत ज्यादा है जिससे वो बहुत ही प्यारा सा लुक देंगी और ये कुर्ती हम बना रहे हैं तुलिप सलवार के साथ जो हमने लास्ट वीडियो में अस्तर वाली तुलिप सलवार बनाई थी उसी के साथ अगर अभी तक भी आपने तुलिप सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं इसकी कटिंग करना स्टार्ट इस कुर्ती को बनाने के लिए अस्तर फेब्रिक लिया है हमने दो मीटर और ये फेब्रिक है क्रेप का फेब्रिक ये कुछ इस तरह का है लंबाई में है ये दो मीटर और चौड़ाई में है ये फोर्टी इंच का और इसका मेन फेब्रिक है जॉर्जेट का ये कुछ इस तरह से है और ये फेब्रिक लिया है हमने चार मीटर और इसकी है 42 इंच की इसके घेर पर हम ये वाली लेस लगाने वाले हैं इसका जो अप डाउन वाला शेप रहेगा नीचे का घेर उसमें हम ये वाली लेस लगाएंगे जो लेसवार में लगाई थी वही लेस हम अपनी स्लिप्स में लगाने वाले है। ये छह से सात मीटर यूज हो जाएगी स्लीव की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी लंबाई रख रहे हैं अपनी स्लीव की उसके हिसाब से छह से सात मीटर यूज हो जाएगी और ये जो घेर वाली लेस है हमारी ये हमारी तीन से चार मीटर के बीच में हो जाएगी सबसे पहले हम इनर की कटिंग करेंगे तो इसके लिए ये रहा हमारा मेजरमेंट इनर को हम डबल करके रखेंगे दोनों कोने पकड़ेंगे और दोनों को मिला लेंगे अब इसको इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे ये फोर फोल्ड में हो गया हमारा कपड़ा अब यहाँ पर नाखून लगा लेंगे सबसे पहले लगाएंगे हम शोल्डर के निशान तो कपड़े को पहले सीधा करने का निशान लगा लेंगे पीछे का गला हमारा छोटा है इसलिए हमें शोल्डर को डाउन करना है एक इंच हम इसे डाउन कर लेंगे शोल्डर हमारे सात इंचमोल्स हमारे साढ़े छह इंच साढ़े छह पर निशान लगाएंगे और कमर आएगी हमारी चौदह इंच पर अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे अब इन निशानों को लंबा कर लेंगे इस निशान से इस निशान को मिला देंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे अब यहाँ से पौने एक इंच पर निशान लगाना है यहीं से इसको राउंड कर लेना है अब लगाएंगे हम लंबाई का निशान तो यहाँ से इंची टैप को रखना है, है हमारे फ्रंट साइड की लेंथ है ट्वेंटी सेवन इंच और हमारे जो साइड के कोने हैं यहीं से इंची टेप को रखना है कोने हैं हमारे थर्टी फोर इंच के तो थर्टी फोर पर निशान लगाएंगे इस निशान से इस निशान को मिलाकर ए लाइन का शेप देंगे यहाँ पर हमें डेढ़ इंच का मार्जिन रखना है और यहाँ पर हम एक इंच का मार्जिन लेंगे अब इन निशानों पर से कटिंग कर देंगे एक कट हमें यहाँ पर लगाना है और एक कट यहाँ पर अब इसमें से बैक पार्ट हटाएंगे और फ्रंट पार्ट को वापस से जमा लेंगे अब हमें यहाँ से सवा एक इंच पर निशान लगाना है अब इसी निशान के हिसाब से हमें इसको राउंड कर लेना है इसमें हमें इतनी गोलाई करना है हमारे आगे गोलाई भी कटिंग हुआ है अब हम अपना नेक कटिंग करने वाले हैं गले की वृथ रखेंगे हम ढाई इंच गले की लंबाई है हमारी साढ़े चार इंच नीचे भी गले की व्रथ ढाई इंच रखेंगे लाइन खींच के बॉक्स बना लेंगे अब यहाँ से आपको रखना है पौने एक इंच इसी के हिसाब से आपको इसको राउंड शेप दे देना है इन्हीं निशानों पर से कटिंग कर देंगे अब हमने बैक पार्ट ले लिया है इसकी गले की वृथ भी हम ढाई इंच रखेंगे और गले की लंबाई रखेंगे तीन इंच और जैसे हमने गला फ्रंट साइड का कटिंग किया है वैसे ही बैक साइड का कटिंग करना है अब दोनों साइड के हमारे गले तो कटिंग हो गए हैं। फ्रंट पार्ट को हमने अच्छे से जमा कर सिंगल करके रख लिया है और बैक पार्ट इसमें से हटा दिया है ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट है अब हमें इसे अप करना है तो कैसे करेंगे लेंथ का निशान तो हमने पहले ही लगा लिया था ये देखिए ये हमारी लेंथ है अब यहीं से इसको हल्के हल्के से राउंड शेप दे देना है और यहाँ पर ले जाकर मिला लेना है अब इसी निशान पर से कटिंग कर देंगे अब ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हुआ है, अब को सीधा कर लेंगे, और इसको जमा लेंगे। अब ये बराबरी से मिलाकर रख लेंगे अब बैक पार्ट की लंबाई हमारी कितनी थी फोर्टी टू इंच की फोर्टी टू पर निशान लगा लेंगे और साइड के कोने जो थे हमारे वो तो दोनों साइड के ही थे थर्टी फोर अब इस निशान से इस निशान को मिला देंगे राउंड शेप देते हुए अब इसकी कटिंग कर देंगे हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है अब हम मेन फैब्रिक लेंगे अब हमने अपनी जॉर्जेट को ले लिया है ये हमारी सिंगल है और इसको डबल कर दिया हमने अब हमने अपना फ्रंट पार्ट ले लिया इसको इसके ऊपर रख लेंगे अब इसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे यहाँ से इंची टेप को रखेंगे ट्वेंटी सेवन इंच लंबाई हमारी है पर अभी हमको रखना पड़ेगी दो इंच प्लस करके ट्वेंटी नाइन इंच देखिए आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में दब जाएगा और इसके बाद यहाँ पर डेढ़ इंच हम इसे फोल्ड कर देंगे लंबाई का निशान मिल गया है तो अब इस निशान के हिसाब से इसको राउंड शेप देंगे अब इसी के बराबरी से कटिंग करेंगे इसको साइड में करेंगे और इस फैब्रिक को आगे बढ़ा लेंगे अब हमने अपना बैक पार्ट लिया है इसको इसके ऊपर रख लेंगे अब हम बैक साइड की लंबाई का निशान लगाएंगे तो 42 हमारी लंबाई थी इसमें भी दो इंच प्लस करेंगे तो 44 इंच हो जाएगा अब इसको भी हम राउंड शेप दे, दे देंगे अब इसी निशान के हिसाब से हमको इसकी कटिंग कर देना है इसी के बराबरी से हमारा बैक पार्ट भी कटिंग हो गया है अब हमें करना है स्लीव्स की कटिंग यहाँ से कपड़े को कटिंग करके बराबर कर लेंगे अब इस कोने को लेंगे और इसके ऊपर रख लेंगे अब ये हमारा हो गया फोर फोल्ड यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है अट्ठाईस इंच हमारी स्लीव्स की लंबाई है साढ़े अट्ठाईस पर हम निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच हमारा स्लीव्स में ऊपर सिलाई मार्जिन में दब जाएगा यहाँ पर एक इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे फोल्ड करने के लिए अब ये जो हमारा फैब्रिक है इसका हमें सेंटर निकालना है अब ये देखिए ये हमारा इक्कीस इंच का कपड़ा है इक्कीस के आधे होंगे हमारा साढ़े दस इंच आपको अगर ऐसे करना नहीं आता है तो आप डायरेक्ट इंची टेप को ऐसे पलट कर भी देख सकते हैं ठीक है ऐसे ही हमें नीचे भी निशान लगा लेना है अब एक सीधी लाइन खींच लेंगे अब यहाँ से इंची टाइप को रखना है अब हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक स्लीव्स की लंबाई थी दस इंच तो हमको लगाना है निशान साढ़े दस इंच पर क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में ऊपर दब जाएगा इसीलिए अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है अब यहाँ पर हमें अपना आर्मोल्स का निशान लगाना है सीने का चौथा भाग था हमारा सवा आठ इंच तो यहाँ पर हमें सवा आठ इंच का निशान लगाना है तो इसको देखिए आपको ऐसे सेंटर भी कर लेना है सवा आठ का आधा हमें यहाँ पर निशान लगाना है और आधा हमें इस साइड लगाना है यहाँ से साढ़े तीन इंच स्लीव्स को डाउन कर लेंगे और स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे अब हमारी यहाँ की स्लीव्स की फिटिंग है दस इंच की तो दस इंच का निशान हमें यहाँ पर लगाना है दस के आधे होंगे पांच और पांच के आधे हो जाएंगे ढाई तो ढाई इंच निशान इस साइड आएगा और यहाँ पर पाँच इंच पर आएगा ये वाला हमारा निशान लग गया इसके बाद यहाँ पर हम एक इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे और इस साइड रखेंगे हम डेढ़ इंच का मार्जिन अब देखिए इस निशान को इससे मिला देंगे और इस वाले को इससे मिलाएंगे अब क्या करना है हमें इसको इससे मिलाना है और इस वाले निशान को इससे मिला देंगे अब ये हमारी पूरी स्लीव्स ड्रा हो गई है अब बचा है हमारा शोल्डर कट का निशान लगाना तो कैसे लगाएंगे देखिए यहाँ से ये हमारा सेंटर है अब स्लीव्स का जो सेंटर होता है ये वो सेंटर है यहाँ पर इंच टेप को रखेंगे और चार इंच पर निशान लगाएंगे शोल्डर कट की लंबाई रख रहे हैं चार इंच और इसकी वर्थ रखेंगे एक इंच ये हमने मार्क कर लिया अब यहाँ पर इसको राउंड शेप दे देंगे आपको कोई भी शेप देना हो वी का शेप दे दो आपको जो भी अच्छा लगे शेप आप बोल दे सकते हैं ऐसा वी भी ले सकते हैं गोल भी ले सकते हैं और कुछ पत्ती वत्ती हो कुछ और बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं तो हमें बनाना है यहाँ पर राउंड शेप अब हम इसकी कटिंग करेंगे दोनों साइड राउंड शेप दे दिया है हमारी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है हमारी पूरी अप डाउन कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है ये हमारा फ्रंट पार्ट है ये हमारा बैक पार्ट है और ये रही हमारी डिजाइनर वाली स्लीव्स तो इसी के साथ हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट वैसे आज तो आप बहुत ही खुश हो गए होंगे दीदी से कटिंग सीख कर ना तो स्टिचिंग करने के लिए ये जो फ्रंट और बैक पार्ट है इनके अस्तर को सबसे पहले फोल्ड करेंगे तो एक अस्तर को उठाएंगे और यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे ओपन करने के बाद यहाँ नीचे साइड से एक और ये दो दो पल्टी में राउंड राउंड फोल्ड कर देंगे और फिर ये फ्रंट वाले अस्तर को लेंगे और इसको भी हम यहाँ से दो पलटी में फोल्ड कर देंगे दोनों ही अस्तर को हमने फोल्ड कर दिया है अब इनको हम अटैच करेंगे तो अभी इसको साइड में करेंगे और अब जॉर्जेट के फैब्रिक को लेंगे और यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे अस्तर वाले फैब्रिक को इसके ऊपर रख देंगे नीचे साइड छोड़ कर यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक कच्ची सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे इसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट को भी यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच कर देना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की फिनिशिंग कर देना है बैक पार्ट रेडी हो गया और फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गया अब इसमें हमें यहाँ पर नेक की पट्टी अटैच करनी है बचे हुए फैब्रिक में से नेक के नाप से पट्टी कटिंग कर करना है इसको हम यहाँ से बाहर साइड से पतला पतला फोल्ड कर देंगे दोनों साइड की पट्टियों को दोनों पट्टियों को हमने फोल्ड कर दिया है अब फ्रंट वाली पट्टी को यहाँ पर रखेंगे एक सेंटीमीटर दबाते हुए इसको अटैच करेंगे और पूरा अंदर साइड पलट देंगे बैग वाली पट्टी को भी एक सेंटीमीटर दबाकर अटैच करेंगे पर अंदर नहीं पलटेंगे तो दोनों साइड के नेक की पट्टी हमारी लग चुकी है अब हम इसमें शोल्डर अटैच करेंगे तो बैक पार्ट को सीधा रखना है और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर पलट देंगे शोल्डर है इसको यहाँ से इस तरह से पट्टी को मिला देंगे और बैग वाली पट्टी को इसके ऊपर पलट देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक पक्की सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे और इसी तरह से इस वाले शोल्डर को भी अटैच कर देंगे दोनों शोल्डर को हमने अटैच कर दिया यहाँ से इसको पलट देंगे पलटने के बाद इसको ओपन कर लेंगे और पट्टी को पूरा पीछे साइड कर देंगे और अटैच कर देंगे दोनों साइड के नेक हमारे रेडी हो चुके हैं अब हमें इसमें स्लीव्स अटैच करना है तो स्लीव्स रेडी कर लेते हैं तो ये हमने अपनी स्लीव्स को ले लिया है यहाँ पर ये शोल्डर कट को भी फोल्ड करना है और यहाँ नीचे से भी फोल्ड करना है तो जब हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये शोल्डर कट हमारा छोटा हो जाएगा इसलिए हम इसको पहले ही थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो इसकी व्रथ हम यहाँ से दो इंच कर लेंगे अब वर्थ ज़्यादा हो जाएगी तो लेंथ छोटी लगेगी इसलिए लेंथ भी हम इसकी फाइव इंच कर लेते हैं यहाँ से ऐसे राउंड करना है अब यहीं से कटिंग कर देंगे अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमें इसमें आंकड़े लगाने हैं और यहाँ से इसको नॉर्मली फ़ोल्ड करना है तो पहले हम किस तरह से फोल्ड करेंगे एक पार्ट लेंगे और यहाँ से इसको एक और इसके बाद ये दो दो पल्टी में फोल्ड करेंगे यहाँ तक इस तरह से इसको राउंड में फोल्ड करना है इसके बाद यहां से इसको एक और ये दो दो बार इसको फोल्ड करेंगे यहां से लेके पूरे नीचे तक यहां से लेके पूरे यहाँ तक और यहाँ नीचे साइड इसको हमने फोल्ड कर दिया है और इसी के जैसे हमने इसको भी फोल्ड कर लिया है अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने दस इंच वाला निशान लगाया था यहाँ से इतने पोर्शन में हमें यहाँ पर आंकड़े लगाने हैं क्योंकि यहाँ पर हम डोरी लगाएंगे और डोरी लगा के यहाँ पे बटन लगा के डिजाइन रेडी करेंगे यहाँ पर हमने दो इंच की डोरी ले ली है बहुत सारी डोरिया ली है यहाँ से हमें एक एक इंच का गैप लेना है और एक एक इंच के गैप पे निशान लगाना है पांच सौ यहाँ पर हम छह डोरिया अटैच करेंगे एक एक इंच गैप से डोरी को इस तरह से फोल्ड कर देना है और इसके नीचे रख लेंगे यहां से लेके तक हमने आंकड़े लगा दिए इस साइड यहां पर बटन्स लग जाएंगे इस वाले पार्ट में अब हमें अपनी लैस लेना है और इसको हम यहां पर अटैच करेंगे यहां से लेके यहां तक और फिर यहां से लेके यहां तक इसको अटैच कर, कर देंगे इसी तरह से हम इसमें भी यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अटैच कर देंगे <schat> यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक लेस हमने इसमें अटैच कर दी है इसमें भी कर दी है और इस वाली स्लीव में भी कर दी है अब हमें स्लीवस को इस तरह से एक के ऊपर एक रखना है दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद जिस साइड हमने डोरी अटैच की है ये वाला पार्ट लेना है इसको इस तरह से सामने रख लेंगे डोरियों को अपनी साइड करके और यहाँ फ्रंट साइड एक्स्ट्रा गोलाई देंगे तो यहाँ पर हमें एक इंच की एक्स्ट्रा गोलाई करनी है और इसको ऐसे मिलाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे गोलाई हो चुकी है अब हमने अपनी कुर्ती को ले लिया है कुर्ती में स्लीव्स को अटैच करेंगे तो ये गोलाई वाली स्लीव्स जो है इसको हमें आगे साइड अटैच करना है तो यहाँ पर इसको ऐसे डोरियों को मिला देंगे क्योंकि यहाँ पर बटन्स लग जाएंगी तो यहाँ पर इसको मिलाने के बाद इसको ऐसे बराबरी से रख लेंगे इसके बाद इसमें कितना गैप है ये चेक करेंगे तो इसका जो गैप है वो है हमारा लगभग ढाई इंच का तो ढाई इंच का इस तरह से हाफ कर लेंगे सेंटर हाफ करेंगे तो आएगा सवा एक इंच सवा एक इंच इस साइड और सवा एक इंच इस साइड निशान लगाएंगे स्लीव्स को यहाँ से पलट देंगे पलटने के बाद यहाँ से इस तरह से मेजर करेंगे ये देखिए और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे और इस वाली को इस साइड पलट देंगे और यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर अटैच कर, कर देंगे इसी तरह से हम इस साइड वाली स्लीव्स को भी अटैच कर देंगे स्लीव्स को हमने अटैच कर दिया है और यहाँ पर थ्रेड बाहर नहीं दिखे इसलिए हमने इस मार्जिन को अंदर फोल्ड कर दिया है दोनों स्लीव हमारी अटैच हो चुकी है अब हम इसकी फिटिंग करेंगे तो इसको हम यहाँ शोल्डर के पास से इस तरह से पलट देंगे अब हम इस वाले कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से निशान के ऊपर से फिटिंग लगाएंगे यहाँ तक और यहाँ से फिटिंग लगाएंगे ये हमारे जो लुप्स लगी हुए मतलब डोरी है यहाँ पर हम दस फिटिंग लगाएंगे ऐसे और फिर इसके बाद यहाँ से पूरी एलाइन में फिटिंग कर देंगे और इसी तरह से फिटिंग हम इस साइड भी कर देंगे यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक और यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक इसकी फिटिंग हमने कर दी है अब हमें ये जो साइड है साइड को इस तरह से लेना है ऐसे लंबाई तो पहले ही हमारी बराबर है, है। साइड को इस तरह से लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा छोटा बड़ा अगर होता है तो इस तरह से मिला देंगे ये मिला दिया मिलाने के बाद यहीं से इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे एक और ये दो दो पल्टी में इसको पूरा फोल्ड कर लेंगे गोल गोल और फिर इसके बाद हम इस पे करेंगे इसको हमने फोल्ड कर दिया है अब सीधी वाली साइड से ये वाली इसमें लेस अटैच करेंगे पाइप वाली लेस इसको हमें यहाँ से रखना है और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे और पूरे घेर पे इस लेस को अटैच कर देंगे पूरे घेर में लेस हमने अटैच कर दी है तो कुर्ती पूरी रेडी हो गई है स्लीव्स पर बटन्स लगा लेंगे एक साइड से एक साइड तो डोरिया लगी हुई हैं दूसरी साइड बटन अटैच कर लेंगे और पूरी कुर्ती रेडी हो गई है अब मैं आपको इसको वेयर करके दिखाती ये कैसी लग रही है स्लीव्स में हमने बटन लगा दी हैं और नेक में तो रुपाई भी लगा ली है और इसी के साथ हमारी पूरी कुर्ती रेडी हो गई है और ये कुछ इस टाइप की लग रही है ये रहा इसका अप डाउन वाला शेप जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको इसका शेप कैसा लग रहा है अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब तक लिए